गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए आज का हमारा सेकंड चैप्टर है ए टेस्टी फीस्ट फॉर द माइस। टेस्टी आप जानते ही हैं, मज़ेदार फीस्ट भोजन फॉर द माइस चूहों के लिए। ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर हम वर्ड टू वर्ड पढ़ाएंगे तो बहुत लेंथी चैप्टर है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर आप चाहें तो घर पर इसको रीड कर लीजिए। आप रीड करेंगे तो फिर बाद में अगर इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे हम वर्ड टू वर्ड भी पढ़ा देंगे जब, अगर चाहेंगे आप। फिलहाल आप समरी देख लीजिए, समरी हम बता रहे हैं तो उससे आपके समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत टाइम पहले कोलकाता के पास में एक गांव था, तो मतलब आस पास गांव के खूब सारे जो बच्चे थे वो कोलकाता में ही एजुकेशन के लिए जाते थे। तो वहाँ पर बोर्डिंग स्कूल था, वहाँ पर पढ़ते थे। तो बच्चे जैसे पूरा साल होता है आप जानते हैं, पूरे साल में 10 महीने तो क्या होता है पढ़ाई होती है और 2 महीने की छुट्टी होती है। वही समर वेकेशन के लिए वो घर पर आए थे अपने अपने फैमिली में गुजारने के लिए टाइम, और वही उन्होंने गुजारा। उसके बाद अब वो स्कूल वापस लौट रहे हैं तो उनका जो ना थोड़ा सा मूड भी ख़राब है, और सब एक साथ स्कूल जाते हैं। आप खुद जानते हैं जब छुट्टियों के बाद स्कूल ओपन होता है तो कैसा लगता है, मूड थोड़ा सा ख़राब सा होता है और दुख सा भी होता है ना। ये सभी बच्चों के साथ होता है, किसी एक के साथ नहीं होता है। तो फिर वही उनके साथ हो रहा था कि वो बोर्डिंग स्कूल में, वो तो रहने जा रहे थे, वहाँ पर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे तो वो तो वहीं पर रहते थे, तो और ज़्यादा उनका मूड ख़राब था। हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम तो स्कूल जाते हैं और 12-1 बजे घर पर आ जाते हैं, वो लोग तो बेचारे वहीं रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ जा नहीं पाते, रह नहीं पाते, है ना। तो इसलिए उनका मूड और ज़्यादा ख़राब था। अब वो क्या करते हैं, वो ट्रेन में चढ़ते हैं सब एक साथ। उन्होंने क्या किया, एक डिब्बा जो होता है ट्रेन का वो घेर लिया सब ने, जिससे सब एक साथ रहें। तो उन्होंने एक साथ एक डिब्बा घेर लिया, उसमें किसी को नहीं आने दिया और खुद सब एक साथ भर गए उसमें। तो अब वो वहाँ पर बैठे हैं थोड़े मूड ख़राब में, बातें कर रहे हैं आपस में। तो वो सोचते हैं अब उनका मूड और क्यों ख़राब था कि उनके जो एक संस्कृत के टीचर थे तो उनका रिटायर्ड हो गए थे वो, है ना। जैसे कि आप भी जानते हैं कोई फेवरेट टीचर होता है वो स्कूल से जाता है तो आपको भी दुख होता है, सभी बच्चों के साथ है ये भी चीज़। तो वही उनके साथ था कि उनके संस्कृत के टीचर जो थे उनके फेवरेट थे और उनका रिटायर हो रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, मूड ख़राब था। उन्होंने एक चीज़ सुनी थी कि उनकी जगह पर एक नए टीचर आ रहे हैं कली कुमार, तो उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा और अपसेट हो रहे थे। तो वो क्या करते हैं, इस न्यूज़ से जैसे अपसेट थे तो उससे थोड़ा मज़ा लेने की कोशिश करते हैं। वो आपस में एक साथ मिलकर कहते हैं कि अब ये टीचर आ रहा है, हम उसको मजाक बनाएंगे उस टीचर की। तो उस टीचर का मजाक बनाने के लिए वो रंग बिरंगे तरीके सोचते हैं। तो उसका नाम जो था पूरा उसका था कली कुमार तारकलंदर, उस टीचर का पूरा नाम था। तो वो क्या करते हैं, उस नाम को एक साथ मिलकर गाते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को गा गा के कहते हैं उसी टाइप से वो एक साथ गाते हैं। तो उसको बिगाड़ते हैं नाम को, कलो कुमरो तकला लंग जी, तो फिर उसका नाम बिगाड़ते हैं कलो कुमरो तकता लंका, तो जिसका मीनिंग होता है ब्लैक पम्पकिन एंड फ्रेश ग्रीन चिली। आप जानती हैं काला कद्दू और फ्रेश ग्रीन चिली आप जानती हैं, है ना। तो इस टाइप से वो मिला मिला कर इसको गाते हैं और वो इसको मजाक बना रहे हैं उनके। तो क्या करते हैं वो, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा बातें करते हैं कि अब हम क्या करेंगे, परेशान करेंगे टीचर को, टीचर आएगा हम उसको इतना परेशान कर देंगे कि वो रुक नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा और वो चला जाएगा। तो अब वो थोड़ी देर बाद क्या करते हैं कि एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, तो आर खोला एक स्टेशन है वहाँ पर रुकती है गाड़ी, वहाँ पर तो कुछ पैसेंजर चढ़ते हैं और कुछ उतरते हैं। तो ऐसे ही उनके डिब्बे में भी एक जेंटलमैन आता है, थोड़ा सा उनसे मतलब एजेज था वो, थोड़ा सा एज में ज़्यादा था। और वो देखते हैं तो वो मतलब उनका मूड ख़राब होता कि एक तो हम आपस में उनका मूड ख़राब भी था और फिर वो थोड़ा सा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब कोई नया जब पर्सन हमारे यहाँ आ जाता है, हमारे सामने आ जाता है, तो हम क्या करते हैं मतलब थोड़ा सा ऐसा होता है कि नहीं इससे सामने हम ऐसे नहीं बोले वैसे नहीं बोले। वही जब बिल्कुल अजनबी था तो उनको भी पसंद नहीं आ रहा था, वो उसको चाहते थे वो कि चला जाए। तो उससे वो कहते हैं बहुत ख़राब मूड में कि यहाँ से आप चले जाओ, ये भरा हुआ है डिब्बा और इससे आप चले जाओ, दूसरे कहीं दूसरे डिब्बे में देखो कहीं जगह होगी। तो वो बहुत ज़्यादा शांत मिजाज से आंसर देता है जो जेंटलमैन था कि नहीं पूरी ट्रेन है पूरी की पूरी भरी हुई है और मैं क्या करूँगा, मैं यहीं पे कहीं बैठ जाऊँगा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। कौन कह रहा है, वो जो जेंटलमैन ट्रेन में चढ़ा था। तो उसके पास बहुत सारा सामान था, डिब्बे थे, बक्से थे और मिट्टी के पॉट्स थे और एक बेड रोल था, यानी कि जो बिछाने का होता है कि वो जहाँ कहीं भी बिछा कर बैठ सके। तो उसने क्या काम किया, इतने में वो कुछ और आगे बोलते, उसने अपना बेड रोल खोला और वो वहीं पर ज़मीन में कंफर्टेबल होकर बैठ गया।
तो अब वो बैठ गया तो वो भी क्या बोलते, वो चुप हो गए और चुप हो गए थोड़ा सा, मतलब उनकी जो बातें थी वो वहीं रुक गई, वो ज़्यादा बोल नहीं पाए, वो थोड़ी देर तक उनकी जो मजाक थी वो रुकी रही। हाँ तो फिर वो क्या करते हैं, जैसे स्टेशन आता है दूसरा, तो वो उसको पानी प्यास लगती है तो वहाँ पर उतर जाता है, कौन जेंटलमैन पर जाते हैं, तो वहाँ पर जब उतरते हैं नीचे तो वो पानी के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है आने में, तो वो इतने लड़के क्या करते हैं, जो उनके जो पॉट थे वो मिट्टी के, उनको खोलते हैं और उसमें से रसगुल्ला, लड्डू, गुलाब जामुन ये चीज़ खा लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा टाइट से बंधे हुए थे और जो मैंगोज थे वो भी मतलब एक सेफ तरीके से बंधे हुए थे कि जिससे वो सेफ़ हो जाएं, इस तरीके से बंधे हुए थे, वो उसको खोल देते हैं और खोल कर खा लेते हैं। तो जैसे कि वो वापस आते हैं लौट कर, तो वो देखते हैं कि जो उनके जो शरारती बच्चे थे तो उन्होंने वो सब खा लिया था, और खाने के बाद जो पॉट थे वो बहुत टाइट से बांध कर लाए थे, वो भी खुले पड़े थे, और जो मैंगोज थे तो वो भी बहुत सेफली बांध कर लाए थे, वो भी सब ख़त्म हो चुके थे। अब वो आते हैं तो जो मतलब बच्चे थे, तो बॉयज़ थे वो लड़के, वो क्या कह देते हैं कि जो यहाँ पर हमारे ट्रेन के जो डिब्बे में इतने मोटे मोटे चूहे हो रहे हैं कि वो आपका खाना खा गए, आपके ये जो मिठाई ये थी ये सब चीज़ें खा गए हैं और आपके आम भी खा गए। तो इतने पर जब वो जेंटलमैन थे उनको गुस्सा आना चाहिए था, तो वो गुस्सा नहीं करते हैं, वो बहुत ज़्यादा शांत मिजाज से कहते हैं, अच्छा चूहे खा गए, तो अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर इतने सारे चूहे हैं तो मैं उनके लिए भी कुछ भोजन लाता, कुछ स्नैक्स लाता, और मुझे पता होता कि तुम लोग भी हो तो मैं तुम्हारे लिए भी कुछ ले आता। वो ये कह देते हैं और चुपचाप होकर बैठ जाते हैं। फिर उनको भी थोड़ा सा मतलब लगता है कि ये कैसा शख्स है कि इसको गुस्सा आना चाहिए था और इनको गुस्सा नहीं आया। फिर नेक्स्ट स्टेशन आता है, वहाँ पर उतरते हैं और उन लड़कों के लिए थोड़ी सी मिठाई वगैरह ले आते हैं, तो वो उन लड़कों को मिठाई बांट देते हैं। तो वो जैसे आपने देखा होगा कोई नीयत ख़राब होता है या हफ्ची होता है वो जल्दी खाता है, उसी टाइप से वो लड़के उसको खाने लगते हैं मिठाई वगैरह को। तो फिर नेक्स्ट स्टेशन आता है तो फिर उनके लिए वो कुछ चीज़ें खरीद कर लाते हैं, आम खरीद कर लाते हैं बहुत सारे, और वो ऐसे ही जैसे जैसे स्टेशन आता रहता है तो उनके लिए हर स्टेशन पर टेस्टी फीस्ट और स्नैक्स वगैरह खरीद कर लाते रहते हैं। तो वो उनको लगता है कि मतलब लड़कों को खूब अच्छे से फील होने लगता है कि हाँ मतलब जो अनजान व्यक्ति था वो उनका फ्रेंडली बिहेव कर रहा था, तो वो अच्छे से उनसे बात करने लगते हैं। अब वो नेक्स्ट स्टेशन जब आता है तो वो कहते हैं कि अब मैं यहाँ से उतर के दूसरे डिब्बे में चला जाऊँगा, अब थोड़ी सी छीद हो गई है। तो वो लड़कों को अपनी शर्मिंदगी होती है कि इन्होंने हमने इनके साथ कैसा किया और इन्होंने हमारे साथ कैसा किया, तो वो उनको अपनी गलती को मतलब महसूस करते हुए जोर देते हैं कि नहीं नहीं तुम कहीं मत जाओ और तुम यहीं रह जाओ। तो वो कहते हैं अच्छा नाने हम तुम्हें जगह देंगे, उनको मतलब बिठा लेते हैं। अब वो उनसे पूछते हैं कि जो लड़के हैं उनसे बातचीत करना शुरू कर देते थे, अब तक तो वो चिढ़ रहे थे, अब उनसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो बताते हैं कि मैं जॉब की तलाश में जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा आप क्या करते हो, वही लड़के पूछते हैं। तो वो कहते हैं मैं टीचर हूँ। तो वो कहते हैं क्वेश्चन करते हैं कि काय के टीचर हो, तो वो बताते हैं मैं संस्कृत का टीचर हूँ, मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ। तो वो लड़के कहते हैं अच्छा, बस उनको जो क्वेश्चन करने की लालसा जाग रही थी कि आगे क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे थे, वो कहते हैं आप संस्कृत के टीचर हो तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप हमारे स्कूल में ट्राई करें, हमारे स्कूल में जो हमारे संस्कृत के टीचर थे वो रिटायर हो गए हैं और आपको हमारे स्कूल में ट्राई करना चाहिए। तो वो कहते हैं अच्छा तुम चलो, अगर तुम्हारे स्कूल वालों ने पसंद नहीं किया मुझे मेरी पढ़ाई को या मुझे पसंद नहीं किया तो क्या होगा। तो वो कहते हैं नहीं नहीं पसंद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम आपको पसंद नहीं करेंगे तो हम धरना दे देंगे, और अगर पसंद नहीं करेंगे हम पहले तो वो जो नया टीचर आया है उसको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे और उसको स्कूल छोड़ने पे मजबूर कर देंगे, मजबूर कर देंगे। तो उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा यार वो हमारे जो नए टीचर हैं उनको हमने देखा तो नहीं है, उनका नाम है, फिर वो एक साथ गाना शुरू कर देते हैं, उनका जो नाम था कली कुमार तारकलंदर का नाम, उनका वही वाला नाम लेना शुरू कर देते हैं, ब्लैक पम्पकिन एंड ग्रीन फ्रेश ग्रीन चिली, इसी टाइप से उनका नाम एक साथ जब गा गा कर लेते हैं तो मतलब उनको चिढ़ा रहे हैं, उनकी मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, वो अपने उसी मूड में वापस आ जाते हैं। तो जेंटलमैन जो थे वो एग्री हो जाते हैं, वो कहते हैं चलो ठीक है मैं ट्राई करूँगा और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं देखता हूँ तुम्हारा स्कूल ही देख लेता हूँ। तो वो खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है। अब वो जैसे स्टेशन आता है वो रुकते हैं तो वहाँ पर वो देख रहे हैं कि जो उनका वहाँ का जो कम्युनिटी जो सॉरी
तो सिक्योरिटी गार्ड जो था वो वहाँ पर वेट कर रहा होता है, तो वो देखते हैं, वो सरप्राइज हो जाते हैं कि ये किसका वेट कर रहे हैं, हमारा तो नहीं कर रहा। फिर वो सोचते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारा वेट क्यों करेंगे, अगर हम आ रहे हैं तो मतलब कौन सा स्पेशल आ रहे हैं, सभी बच्चे आते हैं। तो वो देख रहे हैं कि उनके कंपार्टमेंट की तरफ को आ रहा है वो, तो वो देखते हैं कि उनके पास से निकल कर वो पीछे उन्हीं के पास चला जाता है, जिनको जेंटलमैन जो थे उन्हीं के पास जाता है, उनके पैर छूता है और जाकर कहते हैं वेलकम सर, वेलकम कली कुमार सर, तो वेलकम तारकलंदा सर। तो वो देखते हैं और देखकर चौंक जाते हैं, मतलब इतना हक्का बक्का हो जाते हैं कि उनकी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ नहीं निकल पाता है, वो बोल ही नहीं पा रहा है कि वो क्या करें क्या नहीं करें। वो एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को देखते हुए मतलब परेशान है कि हम क्या करें क्या कहें, कुछ कहने के लिए अल्फाज ही नहीं था उनके पास। तो फिर वो एक मतलब जो बूढ़े व्यक्ति थे, वो ओल्ड मैन थे, जो जेंटलमैन थे, तो वो देख रहे हैं कि वो उन्होंने उनके साथ ट्रम्प कार्ड खेल लिया, एक मतलब जिसे कहते हैं एक खेल खेल लिया उनके साथ, कि उनके साथ रहे और उनको ये नहीं पता चल पाया कि ये वही संस्कृत के न्यू टीचर थे, क्योंकि उन्होंने देखा तो था नहीं, सिर्फ नाम से ही जाना था, और नाम से जानने के बाद अब किसी को ऐसा तो जान नहीं सकते कि कौन कैसा है, तो वो समझ नहीं पाए थे कि वो उन्हीं के सर थे और वो उन्हीं के साथ सफ़र करके आए थे। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी में भी महसूस हुई उन लोगों को, और फिर वो चुप होकर चले गए। ओके, आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में भी आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। ठीक है, इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।